श्रावस्ती से आ रही है बड़ी खबर। श्रावस्ती भाजपाइयों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी का 69वां जन्मदिन मंगलवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया, जिस दौरान प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए कामना की गई। भिंगा स्थित अरविंद उत्सव पैलेस में भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने पहुंचकर सरकार द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि पार्टी ने तय किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में देश भर में सेवा के कामों को शुरू किया गया है, जो आगामी 20 सितंबर तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के बाद विधायक ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे, नगर पालिका भिंगा के चेयरमैन अजय आर्य, भाजपा जिला महामंत्री रणवीर सिंह सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोचक और ओजस्वी वाणी सुन रहे थे इसे रमाइली। हम सभी लोग मोदी जी के लिए कहेंगे, मोदी जी तो आप कहेंगे दीर्घायु हो, दीर्घायु हो मोदी जी। मोदी नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर खुशियाँ मना रहा है। और एक ऐसे नेता जो जमीन से उठ करके और जिनको केवल देश के नागरिकों की चिंता हो, जैसे भारत माँ के सच्चे सपूत नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिवस है। उन्होंने तमाम क्रांतिकारी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू में जब 2014 में प्रधानमंत्री हुए, तो सबसे पहले उन्होंने जनधन खाता से लेकर के और GST नोटबंदी तक ले जाकर के लास्ट में 370 और 35 खत्म करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम जनता के हितैषी हैं। हम लोग पहले नारा देते थे, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र लगा हुआ है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर को दे करके भारत के अभिन्न हृदय को भारत में पुनः वापस लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आज उनके जन्म दिवस के पावन अवसर पर अपने तरफ से, जनपद वासियों की तरफ से और व्यक्तिगत में अपने तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी उम्र में से काट करके उनको लंबी उम्र दें, इससे देश का रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।